हमारी प्लेनेट अर्थ को चारों तरफ से गैसेस की लेयर ने ब्लैंकेट की तरह कवर किया हुआ है, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अर्थ सरफेस से 10,000 किलोमीटर तक फैले हुए एटमॉस्फेयर की 5 मेजर लेयर्स हैं ये। अर्थ सरफेस की क्लोजेस्ट एंड लोअर मोस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, द पार्ट वेयर वी लिव, जो कि 8 से 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। नियरली ऑल वेदर हैपेंस हियर। ट्रोपोस्फेयर में ही मोस्ट क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि 99% एटमॉस्फेयर का पानी यही पाया जाता है। इस लेयर में हाइट एल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि ट्रोपोपॉज से 50 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है। इस लेयर का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, जो कि सूरज से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज को अर्थ में एंटर करने के पहले ही एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड ओजोन की प्रेजेंस के कारण इस लेयर में हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। स्टेबल एटमोस्फेरिक कंडीशन के कारण ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट भी इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। स्ट्रेटोपॉज से 50 से 85 किलोमीटर तक फैली हुई थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर। इस लेयर में एयर मॉलिक्यूल के फ्रिक्शन के कारण मीटियर्स एंड एस्टेरॉइड, जिन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं, अर्थ में एंटर करने के पहले ही बर्न हो जाते हैं। 85 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 600 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई लेयर है थर्मोस्फेयर। ब्यूटीफुल नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स भी यहीं अपीयर होती हैं। ऑल्सो इसी लेयर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी ऑर्बिट करता है। अर्थ एटमोस्फेयर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एक्सोस्फेयर, जो कि 600 किलोमीटर से स्टार्ट होकर आउटर स्पेस तक एक्सटेंड करती है। मैनी ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स लाइक कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सैटेलाइट एक्सोस्फेयर में ही ऑर्बिट करती है।